हेलो व्यूअर्स, व्हाट्सअप, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यस व्यूअर्स, वी वर डूइंग ऑड वन आउट। यस, दिस इज़ द पार्ट थ्री ऑफ द टॉपिक ऑड वन आउट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक ऑफ लेटर क्लासिफिकेशन। यस, वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक ऑफ लेटर क्लासिफिकेशन। यस, दिस इज़ आर टूडेज टॉपिक, लेटर क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट टाइम हमने अभी नंबर क्लासिफिकेशन पे थे और मैंने एक क्वेश्चन आपको दे रखा था। बट बिफोर डूइंग लेटर क्लासिफिकेशन, वी विल फर्स्टली डू नो अबाउट व्हाट इज ऑड वन आउट। अगेन वी विल नो अबाउट दिस। एज यू नो, अगर आप नहीं जानते हो तो भी मैं आपको एक बार फटाफट से रिकैप दे देती हूँ। एक इन ऑड वन आउट, अ ग्रुप ऑफ सम आइटम इज गिवन। All these item except one, look at here, except one, like these, कोई एक इसमें से ऐसा है, except one are, बाकी सब similar होते हैं। Yes, others are similar in a certain way, किसी ना किसी वे से these are similar. You are required to spot out that odd one out item. Yes, like the one which does not fit into the given group of items. Anyone can be this one, और anyone can be, that can be anyone, जो कि हमारा यहाँ पे यूज होगा। चलिए, अभी जैसे आपको पता चला कि odd one out क्या चीज़ है, तो सबसे पहले welcome to धृति संग सीखो channel. This is the channel name, धृति संग सीखो. Subscribe, please subscribe the channel if you want to notification about logical reasoning. We are going to do logical reasoning of class 6. Yes, and our topic is letter classification of the odd one out. Yes, this is the reasoning which is very useful for you in today's world. Yes, अगर आपको आज के वर्ल्ड में कहीं स्टैंड करना है तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए. यस, यू हैव टू नो about this, you have to learn actually, and you have to practice on that, and this is the exact practice center for you where you can practice on the topic of logical reasoning. Okay, before starting our topic of letter classification, we will do first of all this question which was एज अ होमवर्क फॉर यू, और यू कैन से दैट मैंने आपको ये छोड़ दिया था, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी लास्ट वीडियो में. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम नंबर क्लासिफिकेशन. हमने नंबर क्लासिफिकेशन के भी काफ़ी क्वेश्चन कर दिए थे ऑफ द टॉपिक ऑड वन आउट, एंड दिस वॉज द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. ओके, अगर आपने कर लिया है देन दैट इज़ गुड, अगर नहीं किया है देन लेट मी एक्सप्लेन यू. आप अपना आंसर मैच कर सकते हो. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन. हेयर ऑल द नंबर हैव ऑड एक्सेप्ट वन, विच दैट ऑप्शन कैन बी. ऑप्शन ए इज 3002, ऑप्शन बी इज 4003, एंड ऑप्शन सी इज 5004, एंड ऑप्शन डी इज 6006, एज यू कैन सी हेयर on your screen. Okay, 3002, if we add these numbers, add karo in numbers ko, agar in sab numbers ko aap add karoge, you will get the 5. Yes, in sab ko add kara, aapne 5 liya, theek hai. Aise hi hum inko, inko aur isko, इन सबको ऐड करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया, 7. यस, एंड सेम थिंग इज विद दिस, लुक एट हियर. अगर हमने इन सबको प्लस किया तो अब हमें क्या मिला, इसको हमने ऐड किया, एज यू नो, यस, वी गेट 9. 5 + 4 5 + 0 5 + 0 5 अगेन एंड + 4 9. यस, बट आफ्टर एडिंग दिस वन, अगर हमने इन सबको प्लस किया है तो हमारे पास क्या आया, यस, वी गेट 12.
वी गेट 12। यस, अब मुझे आंसर बताने की आई थिंक नीड नहीं होनी चाहिए। वाई, क्यों नीड नहीं होनी चाहिए? हेयर ऑल नंबर्स, ऑल द नंबर्स हैव ऑड, ऑड वन आउट मीन्स ये नहीं कि हमने एक इवन ऑड वाला ऑड मैं कह रही हूँ। देखो 12 है जो, ये क्या लग रहा है, ये ऑड लग रहा है। क्यों? ये भी ऑड नंबर है जो इवन ऑड वाले हमारे होते हैं, जो 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक्सेट्रा। तो हेयर ऑल द नंबर्स हैव दिस वन हैव ऑड ऑड सम, इनकी सम ऑड है एक्सेप्ट ऑप्शन डी, इस ऑप्शन को छोड़ के। कैसे? ये मैंने अभी अभी आपको बताया, 3002 को प्लस किया हमारे पास 5 आया, इसको प्लस किया 7 गेट किया, एंड आफ्टर दैट वी गेट 9, एंड इसको ऐड करने के आफ्टर 12। ठीक है, सो 6006 इज ऑड वन। यस, ये इसमें ऑड है, तो हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसकी बता दी, अगर आपका आंसर मैच करता है देन यू गॉट द 4 मार्क्स, अदरवाइज -1 कर दो, क्योंकि हम जब भी हम लेटर सीरीज करने जा रहे हैं वो बहुत ईजी होने वाली है। उसके एग्जाम्पल जो मैं दूंगी वो थोड़े से आपको लग सकता है कि मे बी कोई एक डिफ़िकल्ट लगे या कुछ थोड़ा ट्विस्ट हो किसी में कुछ होगा, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मे बी बहुत कुछ आते भी होंगे इनमें से। तो चलिए हम अपनी लेटर सीरीज पे आ जाते हैं फटाफट से। हेयर दैट इज आर लेटर क्लासिफिकेशन। यस, हम अपनी लेटर क्लासिफिकेशन में हम अपने कौन से क्वेश्चन पे, ओके ये हमारा लेटर क्लासिफिकेशन है, मैंने ABC इसमें पहले से ही लिख के रखी है। वो इसलिए लिखती है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि जो हमने ये सॉल्व करना है। आप अपना पेपर और पेंसिल अपने साथ लेके बैठो, क्यों? आपको सॉल्व करना है, आपके सामने ABC भी लिखी हुई है, आप फिर भी अपनी नोटबुक पे ABC लिखो और इसको करने की ट्राई करो। इसको करोगे तो आपको पता चल, ABC को देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें सीरीज चल रही है और कौन सा ऑड वन है, कौन उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है जो एक रूल कंटिन्यू दिया हुआ होता है। ऑड वन का मीन्स ही जैसे मैंने बताया यही होता है, ऑल द आइटम एक्सेप्ट वन, बाकी सब ऑल आइटम्स आर सिमिलर एक्सेप्ट वन, यू रिक्वायर टू स्पॉट आउट दैट ऑड वन। यस, वन विच डज नॉट फिट इन द ग्रुप ऑफ दैट आइटम्स। यस, और ऐसे ही अभी हम लेटर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो लेटर क्लासिफिकेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, ये वाला। अब इसमें देखो क्या है, इसको चलो वीडियो को पॉज करके इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार करके देखो, अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन करूँगी ही सही, आप एक्सप्लेनेशन भी देखो उसके बाद देखते हैं आंसर क्या होता है, बट लेट इट सॉल्व नाउ। जैसे चलो लेट्स एक्सप्लेन इट नाउ, पहले मैं एक्सप्लेनेशन ही देती हूँ, फिर उसके बाद आप ऐसे करना वीडियो को पॉज करना मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद। मैं आंसर नहीं दूंगी, मैं एक बता दूंगी, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो जैसे अब ये हमारा एस कहाँ है, हेयर दैट इज आर एस इज हेयर, ओ कहाँ है, ये रहा हमारा ओ। इनके डिफरेंस कितना है, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, मतलब -4 चल रहा है। यस, यहाँ -4 चल रहा है, 4 में ही, ठीक है ठीक है। ये तो हमने देखा -4 का, अब ओ ये रहा हमारा, ओ के बाद हमारा एल कहाँ है, ये रहा हेयर दैट इज, लुक एट हेयर, छुपा नहीं हुआ यहीं पर है ये तो। ओके, इसमें कितना का डिफरेंस है, इसमें 3 का है, मतलब ये भी माइनस में गया, पीछे गया ना एल, तो ये भी माइनस में गया, बट -3। यस, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा 3 है, बट 3 है, आपको समझ में तो आ गया 3 है। यस, ओके, ऐसे ही L के बिफोर क्या है, कहाँ पे आ गया G, ये देखो इसमें ये रहा हमारे पास G, तो ये कितने का डिफरेंस है, ये है हमारे पास -2 का। यस, -4, -3, -2, माइनस में चल रहे हैं, रिवर्स में। अच्छा, मैं अपनी एक लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा एक बात बताती हूँ, आप अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते हो सबसे पहले क्या करो, ABC को सीक्वेंस में लिखो जैसे हमारी मैंने लिखी हुई है एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे, ठीक है।
तो अगर आपने सीक्वेंस में लिख ली हो, अब इसको रिवर्स में लिखो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, और आपको ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ब्रेन शार्प होता है, ये ट्रिक है, सच में ये ट्रिक है, इससे रियल में ब्रेन शार्प होता है। और दूसरा, हमारे लेटर्स वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है 12th नंबर पे कौन सा आएगा, 5th पे कौन सा आएगा, कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में। किसी भी ओलंपियाड को आप उठा लो, चाहे आप इंग्लिश का ओलंपियाड दे रहे हो, मैथ का दे रहे हो, साइंस, कंप्यूटर, वट एवर यू आर गिविंग, तो उसमें अगर लेटर क्लासिफिकेशन वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उसमें आपको इस टाइप की चीज़ें लेटर वाली मिल जाएंगी। बट आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट में ये लिखी जाती है, क्योंकि हम तो ये बचपन से करते आ रहे हैं, फ्रॉम आर प्री नर्सरी। यस, प्री नर्सरी से ही, पहले से, इवन प्ले वे में जब थे तब से हम लोग ABC लिखते आ रहे हैं, लिखते नहीं आ रहे, सुनते आ रहे हैं, बट हमने लिखनी भी स्टार्ट जल्दी ही कर दी थी, ठीक है। तो अगर हमें ABC आती है, तो एक बार रिवर्स में भी कर लेते हैं ट्राई। यस, इस इज इट्स अ रियली ए गुड ट्रिक फॉर शार्प योर ब्रेन। चलिए, लेट इट असाइड एंड अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं हम। तो हमने अभी, तो मैंने ये सामने लिख दी आपको, आपको पता चल गया कि ये कैसे चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम इसका देखते हैं, क्या ये चल रहा है। चलो मैं इसको 1 मिनट इरेज करती हूँ। इस पर हम लिख लेते हैं, यहाँ साइड पे कौन सा चल रहा था हमारा, -2, -3 और -4। यस, चलिए, इसको भी एक बार इरेज कर देते हैं। ओके, ये भी हमारा माइनस में था। चलिए, अब देखते हैं, अब हमारा, हमने इसको तो चेक कर लिया, हमारी ये वाली कॉन्टिन्यूटी चल रही है, -4, -3, -2, ठीक है। अब हमारा टी के देखते हैं, टी कहाँ है हमारा, टी अब हमारा ये रहा, ठीक है। टी के बाद पी कहाँ है, अरे ये देखो, यहाँ से चल रहा है, ये रहा, हो गया -4, आ गया -4 हमारा, यस -4 आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा पी के बाद एम, एम कहाँ है, आ गया -3, 1, 2, 3, यस हियर दैट इज, इट इज -3। ओके, अब एम से के, 2, यस ये भी -2 चल रहा है, चल रही है 2, 3, 4 वाली सीरीज, यानी कि ये भी हमारा ऑड वन आउट नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट वाले को भी ट्राई करते हैं, बट हम पहले ऐसे करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यानी कि हमारा ये आंसर तो नहीं है। चलिए, ओके, अब ये वाला चेक करते हैं, एक्स, एक्स ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब एक्स के एस कहाँ पे है, एस 1, 2, 3, 4, अरे 4 का तो बीच में ही इनके आ गया, यानी कि ये तो -5 चल रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एस का देखते हैं, ये एस यहाँ पे है हमारा, और क्यू, अरे ये क्या, यहाँ पे -2 हो गया, क्योंकि ये रहा ना 2 का ही गैप है, ठीक है। ओ कहाँ है, अरे ओ में भी -2 है, क्या है ये तो गैप बिल्कुल ऐसा नहीं है, पर हो सकता है कि ये वाला और ये वाला सिमिलर हो, इसमें हमारी कोई ऑड वन हो ही नहीं, किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाता है ना, ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं एक बार, हम फटाफट से इसको इरेज करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाला वो भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, पी, यस वेयर दैट इज, हेयर दैट इज, पी, पी से बिफोर एल कहाँ है, 1, 2, 3, 4, यस ये रहा, हो गया, ये हो गया -4, और उसके बाद एल, एल ये रहा ना, एल के आफ्टर आई, आई कहाँ है, ये रहा -3, और जी, जी तो ये रहा -2, है ना। इसके सब बाद, तो अभी तक हमने सारे चारों के चारों चेक कर लिए, क्या हमें रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला कि हमारा जो ऑप्शन सी है वही ऑड वन आउट है, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चेक करते हैं क्या है. ओके हियर दैट इज इट इज यू ओ पी आई. इसमें ऑड वन आउट निकालना बहुत इजी है. ऑड वन कौन सा हो सकता है? अरे ये देखो ना, आपने सुना होगा वॉवल्स कौन से होते हैं, ई ई आई ओ एंड यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे है यू है वॉवल है, ओ है वॉवल है, आई है वॉवल है, बट पी इट्स नॉट ए वॉवल. यस बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द ऑड वन, सो ऑड वन आउट इज पी. यस बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ऑड वन, इट इज नॉट इन ऑर्डर ऑफ, इट्स नॉट फिटिंग इन दैट ऑर्डर. कैसे फिट होता, क्योंकि ये तो हमारी जो वॉवल्स है ये तो उसमें नहीं आता है. चलिए ये वाला तो बहुत ईजी था, ज़्यादा इसमें देखो ऐसे ही ओलंपियाड में होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे बहुत इजी होते हैं, कुछ हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं जो थोड़ा सा नचा देते हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ये क्या है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी टी एस आर क्यू पी एंड ओ. चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके खुद कर लेते हैं, ट्राई करिए, ट्राई कीजिए, मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ. चलो इसमें क्या दे रखा है, अच्छा ये बताऊँ, ये भी बहुत इजी है, जैसे हमारा ये वाला इजी था ना सेकंड वन वाला एग्जांपल, ये भी बहुत इजी एग्जांपल है. अच्छा अब ये कैसे इजी है, देखिए कहाँ पे है हमारा ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है. हाँ जी लुक एट हियर एक्स वाई जेड है ना, क्योंकि उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो थोड़ा सा देख के अरे वाई जेड वाई एक्स ये क्या है, डब्ल्यू यू यू वी ये क्या चीज़ है. हम थोड़े से एक मिनट के लिए वो जाते हैं कि अरे ये क्या चीज़ हो गया, क्यों हमने रिवर्स ऑर्डर में कभी करी ही नहीं ना, कभी की हो तो हमें पता चले ना कि अरे ये तो ए बी सी तो है, बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दी है. आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यस ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड फटाक से आ जाती है हमें. और अब ये वी यू डब्ल्यू इसने नचा दिया, क्या ये करेक्ट सीक्वेंस में है, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है. यस दिस इज नॉट इन द करेक्ट सीक्वेंस, सो दिस इज द ऑड वन आउट. यस सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. इस तरह से हमारी लेटर सीरीज़ के हमने आज तीन एग्जाम्पल करे हैं. इसके बाद हम लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आपको इस टाइप के ही मिलेंगे लेटर क्लासिफिक, बस हमें लेटर्स मिलते हैं. लेटर क्लासिफिकेशन में नंबर क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, उसमें नंबर्स होते हैं, इसमें लेटर्स होते हैं. थोड़ी सी ए बी सी हमें आनी चाहिए, नंबर्स हमें रिवर्स काउंटिंग हमें बचपन में ही सिखाए जाते हैं, बट रिवर्स ए बी सी हमें कभी नहीं सिखाई गई होती क्लासेस में जब हम छोटे होते हैं, तभी हमें थोड़ी सी लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट हो जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक लगा लगा के सीख जाएंगे हम लोग. चलिए करते हैं हम इसको स्टार्ट. ओके विच व्हाट इज दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज एफ ई डी. ओके ऑप्शन ए इज एफ ई डी एंड ऑप्शन बी इज ई डी सी, ऑप्शन सी इज डी सी बी एंड ऑप्शन डी इज सी बी ए. इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है अभी अभी ऊपर एग्जाम्पल में करा है ना, अभी अभी ऊपर एग्जाम्पल में. हाँ जी हमने अभी अभी किया है, कैसे किया है, अरे अभी तो किया, क्या क्या किया हमने, हमने किया ए बी सी. हाँ जी ये क्या है, ये हमारे ऊपर किए हुए क्वेश्चंस का थोड़ा सा मिक्सर है, मिक्स मसाला बना दिया इसने. कैसे बना दिया, देखिए ए बी सी सी डी ई, ए बी सी डी ई है ना सीक्वेंस में, डी ई एफ हो गया सीक्वेंस में. ठीक है बट एक और भी है इसमें बात जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम
जब भी हम लेटर के क्वेश्चंस कर रहे हो हमें ज़रूर वो ध्यान में रखनी चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? सिर्फ इसके अलावा क्या कोई और भी चीज़ मैच या मिक्स मैच मिसमैच कर रही है? हाँ जी कर रही है। क्या कर रही है? ये देखो ए, अल्फ़ाबेट ए जो इसमें है ये हमारा वॉवेल है, ऐसे ही इसमें ई हमारा वॉवेल है, ऐसे ही इसमें भी सेम ई अल्फ़ाबेट हमारा ओवेल वॉवेल है। यस, एक्सेप्ट डी सी बी ऑल अदर लेटर्स ग्रुप कंटेन वन वॉवेल, यस वन वॉवेल एंड टू कॉन्सोनेंट्स, टू अदर कॉन्सोनेंट्स है ना हमारे, बाकी दोनों कॉन्सोनेंट्स, सिर्फ इस डी सी बी को छोड़ के इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट्स नहीं है, ऑल थ्री लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सो द लेटर ग्रुप डी सी बी इज ऑड वन, यस दिस वन इज ऑड वन फॉर अस, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज दैट? हेयर दैट इज, देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन। यस दैट वाज एक्चुअली वेरी इजी, बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सीक्वेंस में ना होते हुए, जैसे तो ये सीक्वेंस में था, हमारे पास दो दो ऑप्शन थे, चाहे हम सीक्वेंस में करके चल रहे हैं चाहे हम इसको वॉवेल को लेके चल रहे हैं कि वॉवेल की वजह से हो सकता है, बट दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रख के अपना क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यस बी डी सी ई डी जी ई जी, अरे जी इसमें भी डाल दिया, जी इसमें भी डाल दिया, थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इन दोनों में से एक आंसर करेक्ट होगा, लग रहा है ना हमारा ऑड वन होगा। अच्छा चलिए देखते हैं कैसे होगा। अच्छा जो ये हल्का हल्का सा मार्क नज़र आ रहा है ना, आप इस मार्क पे मत जाओ। क्यों मत जाओ? ये तो उल्टे पे सीधे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपने क्वेश्चन पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके लेट मी एक्सप्लेन नाउ। आपने पॉज करके अगर कर लिया हो और ऊपर वाले क्वेश्चंस करके देखे हो तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कमेंट कि यस हाउ मच मार्क्स यू गेट, -1 और +4, ठीक है। जैसे बी सी है हमारा, बी डी सॉरी बी डी है, इसमें क्या है, एक को स्किप किया गया है, किसको स्किप किया गया है, सी को, यस सी को स्किप कर दिया, बी सी डी। सी इसमें किसको स्किप किया, इसमें किया डी को, इसमें डी को स्किप कर दिया, यस डी ई एफ जी, इसमें तो बहुत सारे आ गए, चलो इसको देख लेते हैं, ई एफ, यस इसमें एफ को स्किप कर दिया है, कर दिया ना एफ को स्किप इन्होंने बीच में से, यहाँ पे आना चाहिए था मिड में इनके, यस ये मिड वाले पोर्शन में इसके एफ होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे डी होना चाहिए था, ठीक है, बट इस वाले में बहुत सारे स्किप कर दिए हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट इन ईच, इन ईच, यस इन ईच लेटर ग्रुप्स एक्सेप्ट डी जी, यस एक्सेप्ट डी जी वन लेटर इज स्किप्ड इन बिटवीन द टू लेटर्स, यस इनमें एक लेटर को स्किप किया गया है, सो दैट द लेटर ग्रुप डी जी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन बिकॉज दिस वन इज ऑड वन, यस ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बट 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 मैं अपना वीडियो यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, उससे पहले आप इसको ट्राई करो, खुद करने की ट्राई करो, आप कितना ही कर सकते हो, आपके लिए कितना ईजी है ये क्वेश्चन, और अगर आप ही कर लेते हो तो, और बहुत इजी है ऑफ कोर्स दिख रहा है ये बहुत इजी है, विच वन इज वॉट वन, बट मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, एंड मुझे डेफिनेटली पता है यू विल गेट द 4 मार्क्स, 4 नेक्स्ट, आपने अपनी 4 क्यों, जितने क्वेश्चन आप अपर पे कर चुके हो पहले बिफोर दैट, वो सारे क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, ऑफ कोर्स आपको आते होंगे, थोड़ा सा डांसिंग होती है बीच में, बट कथक ब्रेक सब बीच में मिक्स होता है क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है बच्चा, यस लॉजिकल रीजनिंग, तो इसमें थोड़ी सी तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, यूज योर ब्रेन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चन।
चलिए तो अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्ले दिस ब्यूटिफुल गेम. यस, अगर आप इसको गेम लेके चलोगे तो आपको बहुत बहुत ईजी लगेगा और मज़ा भी आएगा. यू विल रियली इंजॉय दिस, इंजॉय करोगे आप इसको और आपको इससे ब्रेन शार्प तो होगा ही होगा. इंजॉय करोगे, ब्रेन शार्प होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कितने मार्क्स मिले और आपने कितना इंजॉय किया, कितना समझ में आया. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम को ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ और आपको और इफ़ेक्टिवली समझाने की कोशिश कर सकूँ. वट एवर यू वॉन्ट प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर. थैंक यू.